हेलो फ्रेंड्स, ये ट्रेंड लाइंस का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि ट्रेंड लाइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे उसको ड्रॉ किया जा सकता है, कौन से स्विंग्स को कनेक्ट करना चाहिए। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ये अजम्पशन रहता है कि मार्केट नीचे की साइड जाएगा, बट कई बार मार्केट उसको नीचे न जाके वहीं से फेक ब्रेकआउट देते हुए ऊपर की साइड जा सकता है। इस फेक ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं ये इस वीडियो में हम जानेंगे। फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए पहले हम एक जोन बनाते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से हम ये लेंगे और जो ये एरिया है इस एरिया को मार्क करेंगे। तो कहीं ना कहीं से हमें एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बेस कैसे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा फेक ब्रेकआउट से पहले, एक तो ये फिल्ट्रेशन हो गया, दूसरे फिल्ट्रेशन में हम दोबारा एक ट्रेंड लाइन लेंगे, जो एडवांस ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ऊपर से इसको कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और आप डिटो आके देखोगे तो ये पॉइंट कनेक्ट कर जाएगा। तो ये एडवांस ट्रेंड लाइन, ये दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद ही हम इस ब्रेकआउट को मानेंगे, नहीं तो नहीं। तो इससे पहले ये फेक ब्रेकआउट का पता करने का तरीका है। थैंक यू दोस्तों।